ईद के लिए मवेशी मंडियां कैसे लगेंगी। एनसीओसी ने हिदायत जारी कर दी। मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी और कोरोना एसओपीस पर अमल किया जाएगा। तमाम स्टाफ और ताजरों का वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया। इंतजामिया को मंडियों के दाखिली दरवाजे पर हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलियात मुहैया करने की ताकीद। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद 1,67,00,000 से तजावुज कर गई। सिर्फ जून के महीने में 8,30,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। उधर गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन के अमल में बेहतरी लाने के लिए खुसूसी टीम तश्कील। लाहौर में 12 मकामात पर मवेशी मंडियां लगेंगी। शाहपुर कांजरा, पाइन एवेन्यू रोड, निसार हवेली, सुंदर रोड पर मवेशी मंडी लगेगी। एलडी सिटी नस्ट कहना खाचा रोड और गजुमता नस्ट लाहौर रिंग रोड ऑफिस मंडी लगेगी। एन ब्लॉक डिफेंस फेस लाइन और सब्जी मंडी निश्तर कॉलोनी में भी मवेशी मंडी लगेगी। मेन चारा पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 29 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1,228 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद और पंजाब भर में आज तातील के बावजूद लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने मुख्तलिफ मराकज़ के बाहर पहुंच गए। वैक्सीनेशन का अमल कल से दोबारा शुरू होगा। बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। मोडर्ना वैक्सीन भी मुंतखब वैक्सीनेशन मराकज़ पर दस्तयाब होगी। एनसीओसी के मुताबिक मोडर्ना 18 साल या जायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। वर्क परमिट, वीज़ा के हामिल पाकिस्तानी, बैरून ममालिक, तालीम, कारोबार और ऑफिशियल काम के लिए जाने वाले भी मोडर्ना लगवा सकते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाने का ऑपरेशन कल अरब अमारात से शुरू होगा। कुल 18 परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर के मुताबिक ओवर बुकिंग करने वाली गैर मुल्क एयरलाइंस को शोकाज जारी कर दिए गए हैं। निजी एयरलाइंस को ओवर बुकिंग का जवाब देना होगा। हुकूमत मुखालिफ सियासी मुहिम का नया मरहला। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम आज सवात में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे में मुस्लिम लीग नून के वफ की क्यादत शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे बालाकोट से रैली की क्यादत करते हुए जलसागा पहुंचेंगे। शाहिद खाखा नब्बासी, अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब भी हमरा होंगे। जलसे से मरकजी खिताब सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का होगा। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालफीन पर तनकीदी वार, कहा कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया लेकिन मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत ख़त्म कर दी। हमने लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। रुकावटों के बावजूद अवामी खदमत के सफर में रुकावट नहीं आने दी। नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जानब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानब सफ़र जारी रहेगा। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ट्विटर के महाज पर सरगर्म। कहती हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन और बदनवानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम ने करप्ट अनासर को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। पाकिस्तान के गयूर और बाशऊर अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की ताकत बनते हुए करप्ट और जाली सुरमाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ एफआईआर वापस ले ली। एफआईआर वापस लेने पर अपोजिशन ने एहतजाज खत्म कर दिया। अपोजिशन रहनुमा मार्च की सूरत में थाने से एमपी हॉस्टल चले गए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर कहते हैं एमपी हॉस्टल में मीटिंग के बाद आगे का लाहे अमल तय करेंगे। जाम हुकूमत को टफ टाइम देने का वक्त आ गया है। इस अमली इजलास में भरपूर एहतजाज करेंगे। कराची वालों पर बादल मेहरबान। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुपर हाईवे नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। अलनूर सोसाइटी वाटर पंप और अतराफ के इलाकों में भी हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट से तोहीन अमेज मवाद हटाने से मुतालिक सात हिदायत जारी कर दी। फैसले में कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, प्राइमरी से मास्टर तक इस बारे मजमून शामिल किया जाए, नासिब मवाद की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई की जाए, हुकूमत को पीटीए के ज़ेरे निगरानी आईटी माहिरीन पर मुश्तमिल स्पेशल सेल तश्कील देने की हिदायत। फैसले में मजीद कहा गया कि सोशल मीडिया के दफातर पाकिस्तान में बनवाने पर जोर दिया जाए ताकि उनसे कार्रवाई के लिए बातचीत हो सके। हज से पहले हरम शरीफ की सफाई सुथराई का अमल जारी। यासमीन हज के इस्तकबाल के लिए खाना काबा की छत की सफाई की गई। खाना काबा की छत की सफाई के अमल में दर्जनों सऊदी माहिरीन और कार्टनों ने हिस्सा लिया। सफाई के लिए खुदकार मशीनें, सैनिटाइजर्स और खुशबुओं का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत को दुरुस्त सम्त में डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा समुंदर पार पाकिस्तानियों ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार करते हुए रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई। हुकूमती इकदाम के बायस रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। उकाड़ा के करीबी इलाके सतगरा का बुनियादी मरकज सेहत मवेशियों के बाड़े में तब्दील। बुनियादी मरकज सेहत में तैनात डॉक्टर घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। बीएचयू की बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। कीमती दरख्त काट कर फरोख कर दिए गए। इलाका मकीनों का हुकाम से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर में अफसोसनाक हादसा। जोरा के करीब लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सियाहों की गाड़ी दराय नीलम में जा गिरी। चार अफराद जाँ बहक, दो बच्चे जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले दो अफराद की मैयतें निकाल ली गईं। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का पाकिस्तान सिविल एविएशन को खत। सिफारतकारों के लिए काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान हफ्तावार दो परवाजें चलाने की इजाज़त मांग ली। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन का रद्द अमल। बड़ी ईद की बड़ी मंडी। कराची की सुपर हाईवे पर कुर्बानी के जानवरों का सबसे बड़ा बाजार सज गया। मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, बैल और ऊंट समेत बड़ी तादाद में मवेशी मौजूद, लेकिन अनोखी आन बान और शान वाले बादशाह सलामत सबकी तवज्जो का मरकज। जो भी देखे देखता रह जाए। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनावला और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 29 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1228 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद 1,67,00,000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1228 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद अब 1,67,00,000 से भी तजावुज कर चुकी है। मुल्क भर में कोरोना की वार जारी है। वायरस से मजीद 29 अफराद जाँ बहक हो गए। एनसीओसी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1228 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद अब बढ़कर 1,67,00,000 से तजावुज कर गई है। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में आज इतवार की तातील के बाइस वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। डीएचओ का कहना है कि शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में आज वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल रहेगा। कल से दोबारा वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। इस वक्त मुल्क में मॉडर्ना, साइनोफॉर्म, साइनोवैक वैक्सीन बड़ी मिकदार में मौजूद है। मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुल्क जाने वालों को तरजीही बुनियादों पर लगाई जाएगी। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में आज इतवार की तातील के बाइस वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। डीएचओ का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में आज वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल रहेगा। कल से दोबारा वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा। इस वक्त मुल्क में मॉडर्ना, साइनोफॉर्म, साइनोवैक वैक्सीन बड़ी मिकदार में मौजूद है।
सूबे भर की तरह लाहौर में आज वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल। छुट्टी की इतला के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद आज एक्सपो सेंटर पहुंच गई। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी, दूसरी के लिए 4 जुलाई की तारीख दी गई थी। छुट्टी की इतला के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर के बाहर पहुंच गई। बड़ी तादाद लोगों की एक्सपो सेंटर के बाहर पहुंची। शहरियों का कहना है कि वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी, दूसरी के लिए 4 जुलाई की तारीख दी गई थी। आज वैक्सीन लगवाने आए तो यहाँ सेंटर ही बंद है। शहरियों ने इस मौके पर ये शिकवा किया। सूबे भर की तरह लाहौर में आज वैक्सीनेशन का अमल मुअत्तल है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीन सेंटर पहुंच गए। हुकूमत का बैरून ममालिक फंसे पाकिस्तानियों को निकालने का ऐलान। वज़ीर हवाबाज़ी गुलाम सरवर ख़ान कहते हैं पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कल से शुरू होगा। मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए 18 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई होगी। कल से UAE से फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला 4 दिनों के अंदर अंदर जितने भी मुख्तलिफ गल्फ स्टेट्स में फंसे हुए पाकिस्तानियों ने बाइज्जत तरीके से बाराम तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाएगा और साथ ही साथ उन एयरलाइंस जिन्होंने ओवर बुकिंग करके उन तमाम एयरलाइंस की एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली गई है, शोकाज भी दे दिया गया है, उन्हें पेनल्टी भी किया जाएगा और उन्हें इसका जवाब भी देना होगा कि उन्होंने ओवर बुकिंग क्यों की, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को परेशानियों का शिकार क्यों होने दिया।